सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो उन सभी जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सबको गुड लक फ्रॉम पूरी एसएलवी फैमिली की साइड से। बिंदास तरीके से पेपर को देके आना है, शानदार तरीके से। उन्हें कहते हैं बिल्कुल शेरों के तरीके से जाना है, बकरी बन के नहीं जाना है। बकरी बनकर जाओगे तो शिकार हो जाओगे, ठीक है। बिल्कुल शेर के तरीके से जाना है और पेपर के ऊपर हावी रहना है। स्टार्टिंग के अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, क्योंकि 50% मार्क्स चाहिए आप लोगों को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के 10-15 क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आए तो इसका मतलब कि कहानी खराब हो गई है। ये माइंड पर प्रेशर डालने के लिए मैक्सिमम एग्जाम में स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए रिलैक्स रहकर अपने पूरे पेपर को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और फिर आप लोग रिजल्ट देखेगा, अपने आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये ओनली यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हर एक उस एग्जाम के लिए जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं उसमें आप लोग ये चीजें फॉलो कीजिए। अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की कोशिश कीजिए, वरना पढ़कर तो सब जाते हैं पर लेकिन सब पढ़े लिखे हैं वहां पर जो चीजों को यूज नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें यूज वो इंसान कर पाता है जो शानदार तरीके से अपने आप को शांत वहां पर रख पाता है। अब आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोगों का माइंड बताएगा, वो आप लोगों के साथ में खेल रहे हैं या फिर आप लोग उसके साथ में खेल रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ना कि दिमाग बच्चा है, बच्चे की तरीके से ट्रीट करो इसको। तो दिल तो बच्चा है जी, तो उसी तरीके से बच्चा बना के रखो ना इसको कि नहीं कुछ नहीं है, सब सही है, सब बिंदास है, सब हो जाएगा। तो आप लोगों के अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से लेकर चलिए कि यूपीएससी तो एक छोटा सा एग्जाम है, करना है यूपीएससी क्लियर करके फिर आगे मेंस भी देना है, ठीक है, फिर इंटरव्यू भी होगा, इसके बाद में चल के सबसे बड़ा काम तो तब होगा जब पोस्ट पर जाकर बैठोगे। तो छोटी छोटी इस तरीके से बातें अपने आपको बताइए, आप लोगों का माइंड जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो तरीके होते हैं, अपने आपको टैकल करना आप लोगों को आना चाहिए, वरना सबसे ज्यादा खतरनाक आप ही अपने लिए हो जाते हो। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल काम करना बंद और डब्बे बंद और फिर उसके बाद में जो होना है वो होने दो, वो दिक्कतें रहती हैं। पेपर के बीच में भी आप लोग अपने आपको मैनेज कर सकते हो। जब भी लगे टेंशन हो रही है तो अपने आपको रिलैक्स करो, थोड़ी गहरी सांसें लो, उसके बाद में फिर से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, थोड़ा पानी पी लो, तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट करोगे और अच्छे से पेपर अपना देकर आओगे। तो काफी कुछ है आज के इस डिस्कशन में, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जो आप लोग के बचे हुए थे, तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो इसी के साथ में अच्छे से लेक्चर को देखिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि एक बेस भी आप लोगों का बनाएगी यहाँ पर, जिनके ऊपर कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो जो भी एडिटोरियल होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले जो मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी था दो कॉन्सेप्ट के बारे में जिनमें काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है। एक को तो बोलते हैं जोनल काउंसिल, ठीक है, जिसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और दूसरे को बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। तो जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल में अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या डिफरेंस है, कौन सी संवैधानिक बॉडी है और कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। तो दोनों टॉपिक को मैं काफी अच्छे से क्लियर करूंगा, इसके बाद में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है यहाँ पर जोनल काउंसिल। आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे आते हैं कि आप लोग किस जोन में आते हैं, यानी कि आप लोगों का जो राज्य है वो किस जोन में आता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको ध्यान रख पाएंगे तो कई सारी चीजें आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, इवन आप लोग जो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी यूज करके इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो जोनल काउंसिल होती है वो एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, अगर पूछे हमारी कंट्री में जो कितने जोन में उसको डिवाइड किया गया है, तो आप लोग देखते हैं एक तो गया नॉर्दर्न जोन, यहाँ से आप लोग देखिएगा ये नॉर्दर्न जोन में आ गया सारा मैप, अगर आप लोग पा रहे हैं, ठीक है, जो यहां पर इधर से लेकर आंध्र प्रदेश से और ये सारा जो रीजन है, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग देखिए हो गया वेस्टर्न जोन, ठीक है, यहां पर खासकर गुजरात और ये महाराष्ट्र वाला, नीचे वाला पूरा जो है वो सदर्न जोन हो गया यहां पर, ठीक है, जिसमें आप लोगों का देखने को मिलेगा ये सारा पोर्शन आप लोगों के यहां पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है। यहां पर आप लोगों का ईस्टर्न जोन हो गया, अलग अलग भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पता चल पाएगा आप लोग कौन से जोन में कौन सा राज्य आता है। और यहां पर ये सेंट्रल जोन हो गया जिसमें मेनली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा यहाँ पर इसको नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ, ये सेंट्रल, ये वेस्टर्न, ये सदर्न, ये ईस्टर्न और इसको नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इनमें कुछ और बातें आप लोगों को जो जानने को मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर देखिए। नॉर्मली 5 जोन में हम लोगों ने डिवाइड किया है। आप बोलोगे सर 5 नहीं है यहाँ पर, तो हमको 6 दिख रहे हैं, आपने तो एक और बता दी यहाँ पर, 5 तो यही हो गया, आपने नॉर्थ ईस्ट बता दिया, उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों से अगर नाम पूछा जाए जोन का और आप लोगों का राज्य जो है वो कौन से जोन में आता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोगों को बता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप लोगों का राज्य इनमें से है, तो अगर हाँ तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से जोन में है, नॉर्दर्न जोन में है या फिर सदर्न जोन में है या फिर सेंट्रल में, ईस्टर्न में या फिर वेस्टर्न में। इसको एक बार लिखकर देख लीजिए आप लोग, तो लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे, फिर आप लोग भूलेंगे नहीं। नॉर्दर्न जो जोनल काउंसिल है यहां पर, इसमें अंदर इसके अंदर आप लोगों को चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, राजस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नॉर्दर्न जोन के अंदर आएंगे। तो ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बोलते हैं इसको, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर जो कि न्यू दिल्ली वाला जोन हो गया। दूसरा यहाँ पर सदर्न जोन में आप लोग चलिए, सदर्न जोनल जो काउंसिल है उसके अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को चेन्नई के अंदर नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सदर्न जोन। अगर सेंट्रल जोन में आप लोग आते हैं तो इसमें मेनली आप लोगों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं अगर कंफ्यूजन न हो आप लोगों को, देखिए आंध्र प्रदेश से निकाला गया तेलंगाना तो दोनों एक साथ में रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश से निकाला गया उत्तराखंड और यहां पर जो मध्य प्रदेश से निकाला गया छत्तीसगढ़, ये दोनों आप लोगों को एक जगह देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कुछ बातें जो है वो याद रखते हैं। इसी तरीके से नीचे बिहार से निकाला गया झारखंड तो एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो आप लोगों को तो कंफ्यूजन दूर करने का काम करेगा। तो सेंट्रल जोन के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद आप लोग बोलते थे उसका नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला जोन देखने को मिलेगा। ईस्टर्न जोन के अंदर आप लोगों को जो नजर आएगा ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता में नजर आएगा। बाकी जो वेस्टर्न जोन काउंसिल है उसके अंदर आप लोगों को दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। तो ये पांच जो जोन है ये बेसिकली इन पांच जोन में यहां पर चीजों को डिवाइड किया गया है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जोन जो है ये कहां से निकाल कर लाए गए, क्या स्टार्टिंग से ही हमारे पास में थी? नहीं, हमारी कंट्री में जब नए नए राज्य बनाए गए तो उस टाइम पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आया गया 1956 का कि हाँ यार अब स्टेट की बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना है। तो यहां पर अगर कुछ दिक्कत होती है तो किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, तो उसके लिए यहां पर इनके द्वारा यहां पर ये जोनल काउंसिल बना दी, जो दिक्कत होगी इनके थ्रू टैकल करेंगे। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि जोनल काउंसिल तो बना दी भाई साहब, ये तो बता दो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो यहां पर जो होम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कॉमन चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ईच जो चीफ मिनिस्टर यहां पर वो बेसिकली वाइस चेयरपर्सन होते हैं। आप लोग बोलेंगे इतने सारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। एक चीफ मिनिस्टर आप लोगों को एक साल के लिए देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट जो है वो दूसरा चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया यहां पर इंपॉर्टेंट बात। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो बेसिकली एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो था वो किसी भी जोनल काउंसिल के अंदर कवर नहीं किया गया था, तो इसके लिए स्पेशल यहां पर बेसिकली प्रोविजन यहां पर बनाया गया, एक अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी यहां पर बनाई गई जिसको बोला गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसको जब क्रिएट किया गया तो यहां पर इसको बाद में क्रिएट किया गया 1971 के बाद में, तो यहां पर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया, जबकि सारे जो बाकी के जोन है पांच जो मैंने बताए वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से निकाल कर लाए गए। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को कई बार यहां पर बेसिकली क्वेश्चन गलत करवा जाता है, तो ये याद रखिएगा दो एक तरीके से यहां पर क्रिएट हो गई चीजें, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है वो सारे इसके अंदर आ गए और बाकी के नॉर्मल राज्य सारे इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जब यहां पर बात करें काउंसिल के अंदर तो कंप्राइज करती है नॉर्थ ईस्टर्न वाली, तो आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तीन, इसी के साथ में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, तो ये सात राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अब बचे यहां पर सिक्किम, और इसी के साथ में एडिट किया गया यहां पर जिसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में बाद में चलकर, यानी कि ये सिक्किम आप लोगों का बच गया ना, तो उधर आठ आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो सात तो मैंने बता दिया पर सिक्किम बच गया, तो सिक्किम को फिर आगे चलकर ऐड किया गया इसको 2002 में, यानी कि जब ये बनाई गई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में, ये सिक्किम इसके साथ में नहीं था, सिक्किम को बाद में लाया गया इसके अंदर जब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2002 का, तो फिर इसमें सिक्किम को भी ऐड कर दिया, तो ये 2002 में इसको ऐड किया गया। अब बच गए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आर नॉट मेंबर ऑफ एनी, जो भी यहां पर किसी भी जोनल काउंसिल के ये मेंबर नहीं है, पर लेकिन यहां पर इनको जो सदर्न जोनल काउंसिल है, सदर्न जोनल काउंसिल कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है बेसिकली चेन्नई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, तो इसके अंदर इनको स्पेशल इनवाइटी के तरीके से इनवाइट किया जाता है कि यहां पर स्पेशल ये पर्सन यहां पर आते हैं, स्पेशल गेस्ट नहीं होते हैं, तो उसके तरीके से यहां पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं जैसे हमारी कंट्री में आज के में 25 आप लोगों को बेसिकली हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, तो 25 हाई कोर्ट है, तो आप लोगों से पूछे कि यार राज्य तो आप लोगों को 28 देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों को 8 यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिल रही है, तो क्वेश्चन अगर बन जाए ये तो बता दो कि बाकी किसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलो दो यूनियन टेरिटरी होगी जिन्हें खुद का हाईकोर्ट है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, बाकी 6 यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आती है, तो इस क्वेश्चन को जाकर देखेगा आप लोगों को पता चलेगा कि किसी ने किसी हाईकोर्ट के अंदर इन यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। तो इसी तरीके से यहां पर जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है उनको सदर्न जोनल काउंसिल के अंदर डाल दिया गया। तो ये जोनल काउंसिल होती है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बनाई जाती है बेसिकली एक ग्रुप के द्वारा, यहां पर एक जो स्टेट ऑफ ग्रुप आते हैं कोऑपरेट करने के लिए, अगर कोई दिक्कत आती है उसका सोल्यूशन निकाल सके आपस में मिलकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल जो होम मिनिस्टर है वो यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं और बाकी के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से बात कर ली जोनल काउंसिल के बारे में। अब जोनल काउंसिल तो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई, पर लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको समझने में थोड़ा सा और आप लोगों को मशक्कत करनी है, डिफरेंस फिर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है।
इंटर स्टेट काउंसिल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यहां पर यह है कि संवैधानिक बॉडी है, यानी कि संविधान में इसके बारे में मेंशन कर रखा है आर्टिकल 263 के अंदर। पहले वाली क्या थी, वो स्टैट्यूटरी थी, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में लॉ को पास करके बनाई गई, इसलिए वो स्टैट्यूटरी थी, पर यहां पर इसके बारे में आर्टिकल मेंशन है संविधान में, तो ये संवैधानिक बॉडी होगी। पहला तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आप लोग याद रखिएगा। जो यहां पर ये इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है, ये बेसिकली एक तरीके से एस्टैब्लिश की गई कि इफ एनी टाइम अगर लगता है यहां पर प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट में यहां पर एस्टैब्लिशमेंट करना है, तो प्रेसिडेंट इसको बना सकता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट बनी रहेगी, ठीक है, जब प्रेसिडेंट को लगेगा वो यहां पर बना सकता है। तो एस्टैब्लिश जब किया गया 1990 में, तो यहां पर बेसिकली रिकमेंड किया गया था सरकारीय कमीशन। तो सरकारीय कमीशन काफी इंपोर्टेंट कमीशन हमारे देश में बनाया गया था, जो कि यहां पर इसको रिकमेंड करता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। पर इंपोर्टेंट बात जो है यहां पर, ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसा नहीं है कि ये बन गई तो बनी रहेंगी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई तो फिर काम खत्म, ठीक है, तो उस तरीके समझ सकते हैं। तो यहां पर जो ये कमीशन है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में जब बात करता है, जो कि यहां पर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो जस्टिस एस आर सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया, तो उसने बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होनी चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जो बेसिकली बोल सकते हैं, तो यहां पर आर्टिकल 263 के तहत आप लोगों को यहां पर बनानी है। तो फिर हमारी कंट्री में ये इस तरीके से काउंसिल बनाई हम लोगों ने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं यहां पर इनका, ताकि देखिए अगर बात करें पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करें, कोई सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट का है, कोई डिस्प्यूट हो गया, उनके बारे में यहां पर डिस्कस किया जाए, तो एक तरीके से पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू स्टेट एज मच एज पॉसिबल। देखिए सेंटर अगर डिसेंट्रलाइज करेगा पावर को, तो सारी पावर स्टेट खुद डिसाइड कर लेंगे, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट के पास में जाना चाहिए, जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला जाता है। आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों को जब पूछेगी 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो उनके द्वारा बोला गया था कि पहले 32% राज्य को दिया जाता था शेयर, अब 42% दिया जाता है। तो इस तरीके से ज्यादा फाइनेंसिस रहेंगे तो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले पाएंगे। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से यहां पर जो भी ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है, खासकर एडवांसमेंट ऑफ द लोन टू द स्टेट। तो यहां पर अगर बात करें तो प्रोडक्टिव जो एक तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे निकल कर आती है चीजें। इसी के साथ में यहां पर डिप्लॉयमेंट किया था सेंट्रल आर्म फोर्स का, तो यहां पर भी डिसीजन ले जाते हैं इसके बारे में कि हाँ रिक्वेस्ट करो कि यार हमारे राज्य के अंदर काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भेज दो, इसको पैरामिलिट्री फोर्स आप लोग बोलते हो शांति बनाए रखने के लिए। ये वही सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात की जा रही है, जो सिक्योरिटी फोर्स हम लोग यूज नहीं करते, जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर पूछा जाए इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो यहां पर कौन-कौन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर मैंने क्या बोला था, होम मिनिस्टर वहां पर चेयरपर्सन होते हैं, पर लेकिन यहां पर जो संवैधानिक बॉडी की बात आ गई, ठीक है, तो जो आर्टिकल 263 के अंदर आता है, तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी इसके मेंबर आप लोगों को सारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जहां भी लेजिस्लेचर होता है, वो भी आप लोगों को इसका पार्ट देखने को मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जहां पर लेजिस्लेटर नहीं है वो देखने को मिलेगा। 6 यूनियन मिनिस्टर भी इसके अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। और गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं पर लग रहा है तो वहां का गवर्नर यहां पर आ जाएगा। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये यहां पर कोई दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो दोनों टॉपिक में अब आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोनल काउंसिल के बारे में मैंने बता दिया और यहां पर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता दिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और दूसरी संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर यहां पर देख लीजिए। मैंने आप लोगों से पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा था, इसके बारे में एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यहां पर बोला था कि यहां पर बेसिकली 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। दूसरा बोला गया इनका जो टर्म होता है यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो 1 साल होता है, ठीक है। कैक की रिपोर्ट का एनालिसिस करने का काम करते हैं, तो स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी थी। क्वाड का तो पता ही आप लोगों को, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का बी, ठीक है। तो यहां पर चारों की चारों है। बाकी इसका एक बार आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए, तो यहां पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कमेटी है वो बेसिकली यहां पर इसके अंदर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंस्टिट्यूट की जाती है बेसिकली यहां पर पार्लियामेंट के अंदर। तो ऑडिट करने के लिए जो भी रिवेन्यू होता है और क्या क्या खर्चा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसका एक एनालिसिस करती है। तो ये जो कमेटी है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जैसे बात करें तो दिस कमेटी अलोंग विद पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक जो अंडरटेकिंग है, ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग को देखती है पार्लियामेंट के अंदर, क्या खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में चीजों को देखकर चलती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो मेनली यहां पर ऑडिट करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर,
इसके अंदर आप लोगों को टोटल 22 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1920 में बनाई गई थी, 1921 में, तो इंपोर्टेंट क्यों बन जाती है। अभी आप लोग कहां बैठे हुए हैं, अभी आप लोग 2021 से बैठे हुए हैं, तो पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं। जब 100 साल पूरे किसी चीज को होते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं ना, तो इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बात यहां पर है इलेक्शन ऑफ द मेंबर। तो यहां पर पार्लियामेंट जो है एवरी ईयर, जो यहां पर हर साल आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिंगल वोट ट्रांसफर होती है, उसके थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोई भी मिनिस्टर यहां पर मेंबर इलेक्ट नहीं किया जाता है, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो ये देखती है कि जो पर्टिकुलर पैसा खर्च हो रहा है वो कहां कहां पर हो रहा है। अब मिनिस्टर अगर यहां पर अपॉइंट कर दिया, उसने कहीं गलत पैसा खर्च कर दिया, तो वो तो ये सोचेगा यार रिपोर्ट जो है इसकी थोड़ा सा एक तरीके से वो नहीं, इसको रिपोर्ट को थोड़ा इधर उधर किया जाए, क्योंकि पैसा खर्च कर दिया यहां पर तो गलत खर्च हो गया, तो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कोई मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें टर्म के बारे में, तो वन ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन जो होते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, स्पीकर अपॉइंट करते हैं अगर चेयरपर्सन होगा, ठीक है, तो मेंबर से। अब फिलहाल क्या होने लगा यहां पर 1967 के बाद में, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ इसमें कि अपोजिशन का पर्सन जो है वो इसका चेयरपर्सन रहेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर कहीं गलत खर्चा किया है और कैग ने उसका बेसिकली एनालिसिस किया है और कैग ने यहां पर रिपोर्ट इसके सामने प्रस्तुत की है, तो अगर गवर्नमेंट का ही कोई यहां पर चेयरपर्सन बैठा होगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, तो इसलिए अपोजिशन का पर्सन बैठा दिया ताकि पता चल सके कहां कहां पर क्या क्या गड़बड़ हुई है। इसलिए कांग्रेस के टाइम पर जो दुनिया भर के घोटाले सामने निकल कर आए थे वो कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी की बदौलत ही थे यहां पर, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वहां पर अपोजिशन का पर्सन जो था वो लीडर बना बैठा था, तो गवर्नमेंट को गलती पकड़ेगा छोड़ेगा थोड़ी ना वो, तो यहां पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एनुअल जो यहां पर रिपोर्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है, वो पार्लियामेंट के सामने लाई जाती है और कैग जो है वो सबमिट करते हैं यहां पर बेसिकली जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये तीन रिपोर्ट कैक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछ ले कैक कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी कुछ गलत बात नहीं होगी, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर। अब इस तरीके से अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के सामने सारे के सारे आंसर सही है। 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर यहां से आगे, तो टोटल कितने हो गए 22 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर। वन ईयर के लिए बनाए जाते हैं, मैंने अभी बताया यहां पर मेन फंक्शन कैक की रिपोर्ट, या फिर ये भी बोल सकते थे इसका चेयरमैन जो होता है वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता है, तो स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा आप लोगों से गलत सही आंसर आप लोगों। तो इसलिए क्वेश्चन अगर जितने शांति के स्वभाव में जाकर एग्जाम में बैठकर आप लोग समझोगे ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा अपना शांत स्वभाव रखिए और फिर रिजल्ट शानदार निकल के आने वाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर मैं एडिटोरियल आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो मैंने आप लोगों से बात भी की थी यहां पर। बेसिकली हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, एक तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत की गई है और एक पर्टिकुलर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट दोनों प्रस्तुत की गई यहां पर, तो उनको दोनों को मिलाकर एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद में यहां पर चीजें सामने निकलकर लाकर रख रहे हैं। तो दोनों रिपोर्ट के बारे में पहले आप लोग समझिए यहां पर। यहां पर जो दो डॉक्यूमेंट अभी प्रस्तुत किए गए एग्रीकल्चर के ऊपर, दोनों एग्रीकल्चर के ऊपर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक तरीके से कंसल्टेटेंट जो यहां पर एक तरीके से कंसल्टेशन जो पेपर है यहां पर इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको IDEA बोला गया, ठीक है। तो ये किसकी साइड से आया ये डॉक्यूमेंट निकलकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइड से आया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अब इसका नाम है, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, यह है राइप फॉर डिसरप्शन, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बेन एंड कंपनी, तो इसकी साइड से निकल कर आया। तो राइटर जब यहां पर दोनों डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं तो उनको ये देखने को मिलता है काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी बातें बोल रही हैं यहां पर किसानों के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट तो अगर बात करें यहां पर बात करते हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो किसानों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर किसानों का डेटा रहेगा तो सही चीजें से सही तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिवॉल्यूशनाइज करने की बात की जा रही है यहां पर एग्रीकल्चर के अंदर कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि एग्री लॉजिस्टिक, यहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए खेतों में कोई सामान किसानों ने उगाया, अब वो सामान वहां से निकलकर मार्केट तक पहुंचना चाहिए ना, आसानी से पता चला वो आधे से ज्यादा वहीं खराब हो गया, गल गया, सड़ गया, तो इस तरीके से यहां पर अगर करें ऑफ टेक हो गया, एग्री इनपुट हो गया, ये सारी चीजों के बारे में बात की कि 2025 तक का यहां पर अगर हम लोग बात करें तो काफी ह्यूज स्केल पर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो बातें पहले वाले के द्वारा बोलेगी उसी की मिलती जुलती यहां पर ये चीजें बोलेगी सेकंड वाले के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट के बारे में बात करी उसने बोला कि एक तरीके से अभी रिसेंटली जो यहां पर जो इनके द्वारा बताई गई बातें तो उनका जो डेटा है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से एक रिपोर्ट को पढ़कर दूसरे में आप लोगों को प्रेडिक्टेबल डेटा देखने को मिलेगा, उसी तरीके से बातें दूसरे के द्वारा बोली गई है।
तो जो बैंड रिपोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पर एक डेटा प्रस्तुत किया गया उन एग्री बिजनेस सिनेरियो के बारे में। तो बोला गया कि एग्रीकल्चर सेटअप कराया जाएगा आज के डेट में, एग्रीकल्चर के अंदर सेटअप किए जाएंगे कई सारे। उसी के चलते बोला गया बेसिकली स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में जो लगभग 20 साल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा हमारा, उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना हम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर बिल्कुल ऐसे होगा जैसे यूएसए में नहीं होते किसानों को बिजनेस बनाने की बात की जा रही है। आप लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगा दोगे और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओगे, डेटा सारा इकट्ठा करोगे डिजिटली, तो वो सारी बातें बोली जा रही है। तो रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से फ्यूचर बैक अप्रोच लेकर चल रही है यहां पर, टुडे फॉरवर्ड फ्यूचर बैक अप्रोच, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके चलते इनके द्वारा प्रेडिक्टेबल किया जा रहा है कि 2025 तक का यहां पर काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अभी बोला जा रहा है कि लगभग 370 बिलियन के करीब यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एस्टिमेशन लगाया जा रहा है और एडिशनल 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट और आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर में। देखिए काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में क्या करें एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश की जा रही है। एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब एग्री या फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं कि खेतों में से हम लोग मान लीजिए क्या निकाल कर आए, आलू लेकर आए खेतों में से, ठीक है, या फिर आप लोग कोई भी बोल सकते हैं टमाटर लेकर आए खेतों में से, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, टमाटर का हम लोगों ने टमाटो सॉस बना लिया। अब टमाटर तो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते पर टमाटो सॉस तो काफी लंबे समय तक रखा रहता है। आलू लेकर आए, आलू के चिप्स बनाकर उनको पन्नी में पैक कर उनको बेचना स्टार्ट किया तो लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग कर देना किसी रॉ मटेरियल का, तो यानी कि जो रॉ मटेरियल निकल कर आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इसको प्रोसेसिंग करके ये सेकेंडरी में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल निकाल के लेकर आए हम लोग यहाँ से आयरन ओर, ठीक है, कंपनी में ले जाकर हम लोगों ने क्या किया उसकी चेयर बना दी, ठीक है, उसके स्टूल बना दिए, ठीक है, कोई और आप लोगों ने हथौड़ा बना दिया, उसकी तलवार बना ली, ठीक है, कुछ भी ऐसा सिस्टम आप लोगों ने बना लिया, तो ये यहाँ पर हो गया एक तरीके से प्रोसेसिंग करना और फिर इसको मार्केट में ले जाकर रख देना, तो ये टर्सरी सेक्टर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं नॉर्मली इसमें सर्विस प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है टर्सरी सेक्टर में। तो कोई भी कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो पहले प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर उसका मजबूत होता है जैसे चाइना की, फिर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने अच्छा किया और फिर टर्सरी में सर्विस प्रोवाइड कराई। पर हमारी कंट्री एक बड़ा ही अजीब सा उदाहरण है जिसमें प्राइमरी सेक्टर से सीधा हम लोगों ने टर्सरी सेक्टर पे जंप कर लिया, यानी कि रॉ मटेरियल हमारे देश में है पर लेकिन हम लोग यहां पर अगर बात करें तो सारा जो चीज है यहां पर टर्सरी सेक्टर में। सर्विस में हम लोग काफी अच्छे पे हैं, आईटी सर्विस के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पर आज के में कॉल सेंटर वगैरह केपीओ बीपीओ में अगर बात की जाए, या फिर कोई टीचिंग हो गया ये भी सर्विस है, डॉक्टर हो गया ये भी सर्विस है, लॉयर हो गया ये भी सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर हमारा शानदार बढ़ गया आज की डेट में। पर लेकिन ये वाला सेक्टर जो नहीं बढ़ पाया मैन्युफैक्चरिंग, और यही वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराता है टर्सरी सेक्टर में। हमेशा आप लोगों को लोग जो है पढ़े लिखे देखने को मिलेंगे वो हमेशा यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे, पर लेकिन इस वाले सेक्टर में एक तरीके से वो लोग भी रहते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का सेक्टर में रोड बनानी है, पढ़ा लिखा तो नहीं चाहिए, वहां पर एक मजदूर रहेगा जो कि इलिटरेट है, आराम से काम कर लेगा, उसकी धाड़ी मिल जाएगी, उसका काम चलता रहेगा। पर लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं किसी टीचर को यहां पर कि टीचर आएगा पढ़ाने के लिए तो ऐसा तो नहीं कोई भी आकर पढ़ा देगा, अगर पढ़ाना जानता होगा वही पढ़ा पाएगा पर्टिकुलर पर्सन। डॉक्टर बैठा दिया पता चला, पता ही नहीं है कि यहां पर बेसिकली है क्या, ऐसे झूला छाप आ गया तो वो नहीं कौन सी वो तनुवेट समन्नू वाली मूवी उसमें कि आगे के क्वेश्चन के आंसर डॉक्टर ये देंगे, ठीक है, वो कहता है कि क्वेश्चन पूछते हैं गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन इट हर्ट्स मी हियर, ठीक है, तो इस तरीके से बोलता है वो उल्टी सीधी हरकत है, फिर वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर एक स्किल होना जरूरी है तभी इंसान काम कर पाएगा, पर यहां पर स्किल के बिना भी लगभग काम चल जाएगा और इंसान एक तरीके से जिंदा रह पाएगा। तो इसलिए यहां पर हमारी कंट्री में सेक्टर नहीं हुआ तो लोगों को जॉब नहीं मिली, इसलिए हमारी कंट्री में ग्रोथ कहां से निकल कर आया, ग्रोथ आया टर्सरी सेक्टर से। तो जीडीपी अच्छी चल रही है पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो रीजन ये था कि सेकेंडरी सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो हमारी कंट्री में आज के दिन 60% जो है यहाँ पर ग्रोथ निकल कर आता है सर्विस सेक्टर से, जबकि इंडस्ट्री 27% और एग्रीकल्चर लगे 15-16% आप लोगों को देखने को मिलेगा, 14-15-16, ठीक है, डेटा थोड़ा पुराना है तो इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये पैटर्न है हमारे देश का, जबकि अगर बात करें जब आजाद हुआ एग्रीकल्चर सबसे बड़ा जीडीपी में हमारा रोल प्ले कर रहा था, पर लेकिन आज के डेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस में लोग स्किल चाहिए तो स्किल हमारे पास में है नहीं, तो जॉब लेस ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ तो आ रहा है पर लेकिन जॉब नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि कुछ ही लोग यहां पर काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ये काफी जरूरी है कि हम लोग इनको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर चलें। तो ये बातें यहां पर बेसिकली राइटर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एग्री इकोसिस्टम यहां पर फार्मर की इनकम डबल करने की अगर बात करें यहां पर, तो ये क्या इस तरीके से यहां पर अचीव किया जा सकता है उसको, तो कई सारे स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है बेसिकली जो पेट्रोल के अंदर में, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो बेसिकली स्टेप कई सारे उठाए जा रहे हैं
कई सारे तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। तो आइडिया जो यहां पर इनके द्वारा लाया गया है, आइडिया क्या बोला था मैंने आप लोगों को, यहां पर आइडिया बेसिकली डिजिटल इकोसिस्टम एग्रीकल्चर, तो इसको आइडिया फॉर शब्द यूज किया गया। तो आइडिया जो है यहां पर एक्सप्लिसिटली यानी कि स्पष्ट रूप से यहां पर एक तरीके से बताता है कि ओपननेस होनी चाहिए डेटा के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर जो ओपन टू द बिजनेस एंड द फार्मर, मतलब एक तरीके से जो बिजनेसमैन और फार्मर जो है उनका इंटीग्रेशन किया जाए, तब यहां पर चीजें जो है वो ढंग से आगे बढ़ती नजर आएंगी। यानी कि वैल्यू एडेड इनोवेशन एड किए जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री बेसिकली स्टार्टअप नए नए निकल कर आएंगे, वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइडिया यानी कि डिजिटली यहां पर चीजों को इंटीग्रेट करने, किसानों को और बिजनेसमैन को इंटीग्रेट करने की बात यहां पर की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। तो इससे क्या होगा, यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो सिंगल नेशनल मार्केट अगर बन जाती है, आप लोग ये सोचिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो आता है वो बिहार से आता है, एक उत्तर प्रदेश से आता है, एक तमिलनाडु से आता है, एक महाराष्ट्र से आता है, एक गुजरात से आता है, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर पर्सन जो है, ठीक है, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट से आसाम से निकल कर आता है, अब वो अपना मार्केट में सामान बेच रहे हैं। अब लोकल एरिया में हो सकता है कहीं पर उनका सामान एक गेहूं बेच रहा है 5 रुपए किलो बेचा जा रहा है, ठीक है, वही गेहूं अगर महाराष्ट्र में 1 किलो बेच रहा है तो उसको वहां पर उसके बेसिकली 15 रुपए मिल रहे हैं, वही गेहूं अगर गुजरात के अंदर बेच रहा है तो उसको 20 रुपए मिल रहे हैं, वही गेहूं तमिलनाडु के अंदर बेच रहा है तो उसको 25 रुपए मिल रहे हैं। तो यानी कि हर एक एरिया में गेहूं तो वही है पर लेकिन उसका प्राइस सबका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो क्यों ना एक नेशनल मार्केट हो जाए वहां पर, एक ही तरीके से सबको यहां पर जो सामान जो भी बेचे तो सबको एक ही प्राइस मिले, यहां पर एक बेटर प्राइस देखने को मिले, तो इस तरीके से। और इसी के साथ में ऑल ओवर कंट्री की मार्केट अवेलेबल उनको हो जाए कि हाँ यहां पर आप लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, इससे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनियन जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से गेम चेंजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहां पर ये रिपोर्ट बता रही है कि यूनियन गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, जबकि एग्रीकल्चर आता है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में, तो उसके चलते कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आप लोगों से। आईटी जो इंडस्ट्री है उनके बारे में बात करें तो अगर बात करें तो अपोजिशन ने यहां पर ये बोला है, आईटी जो आईटी इंडस्ट्री हैज अपोजिशन टू आइडिया, मेनली किसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर आईडी फार्मर की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आधार साथ के साथ में कनेक्ट करके, ठीक है। तो कई सारी और चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, आधार कार्ड के साथ में आप लोग डेटा कनेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेसी वाला इशू यहां पर निकल कर आता है, इतना सारा डेटा इकट्ठा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि दोनों रिपोर्ट जो है यहां पर डिजिटली यहां पर जो बातें कर रही है वो यहां पर इंप्रूव करने की बात कर रही है फार्मर की विदाउट डिस्कसिंग, यानी कि जिनकी लाइफ इंप्रूव करनी है वो उसी के साथ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी कि महिलाओं के लिए हम लोग को स्कीम लेकर आनी है कि जो महिलाओं की जो डिलीवरी है वो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं सारी चीजें, पर लेकिन महिलाओं से ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। किसानों के लिए लो बना दिए, किसानों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं लो कैसे बना दिए, ठीक है। तो एक तरीके से तो कैसे चलेगा, तो सबसे बड़ी बात तो यह कि जिसको बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं उसके बारे में उससे तो बात करो, आप लोग बिजनेसमैन से बातें कर कर सारी रिपोर्ट निकाल कर लेकर आ रहे हो तो बिजनेसमैन की बातें आप लोग बोल रहे हो इनडायरेक्ट में बोला जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट से अगर बात करें वो डिजिटल सपोर्ट की यहां पर बात करी है, यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर के द्वारा बोला गया कि फार्मर का वेलफेयर देखने को मिलेगा, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग देखिए तो सही जो डेटाबेस आप लोग फार्मर का इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं कि ऐप यूज करेगा, वो सब चीजें देखने को मिलेगी, तो ये अनकन्विंसिंग लग रहा है एक तरीके से। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि सामने वाले इंसान को इंग्लिश आती नहीं है और आप लोग उसके सामने सारा सिलेबस इंग्लिश में उसको पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, हिंदी का शब्द भी नहीं बोल रहे हो, कम से कम इतना तो करो कि लिखा हुआ इंग्लिश में पर लेकिन पढ़ के तो हिंदी में बताए उसको कोई, ताकि उनकी समझ में आ जाए। आप लोगों ने सब कुछ इंग्लिश में रख दिया, उठाकर कैसे पढ़ पाएगा वो, तो ये वाली काफी बुरी कंडीशन है। तो यहां पर मैक्सिमम तो फार्मर हमारे ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन लोगों की देखने को मिलेगी, तो आप लोग उनको बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम आप लोगों को अंडर एजुकेटेड देखने को मिलेंगे, उनको पढ़ना ही नहीं आता है, खटके वाला फोन चलाते हैं, फोन आ गया सुन लिया उसके बाद में रख दिया, आप लोग उनको बोल रहे हैं ऐप यूज कर लो आप, ठीक है। तो क्या वो रियलिटी में यहां पर इन चीजों के इतने सारे हैबिचुअल हैं, तो ये एक अंडर एक तरीके से आसानी से चलने वाला, ये एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेसर है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको 1-1.5 साल के अंदर निपटा डालोगे, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो जो रिपोर्ट है यहां पर एक तरीके से वो जनरल एजप्शन को लेकर चल रही है, कुछ लोग पकड़ लिए हाँ ये लोग हैं ये काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो सही तरीके से एनालाइज नहीं किया गया कि किस तरीके से यहां पर बेसिकली आप लोग चीजों को लेकर चलोगे, तो कन्विंस करने वाली रिपोर्ट नहीं निकल कर आ रही है कि हमें कन्विंस करेंगे हाँ बड़ी सही बात इनके द्वारा बोली गई है, तो ये बातें देखने को मिलेगी। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगर बात करें तो एक तरीके से उसको देखकर चले जाए, इसके अंदर 9 अलग अलग इनके द्वारा इशू इकट्ठे किए गए एग्रीकल्चर के बारे में, पर लेकिन क्लियर नहीं किया गया कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर से बातें बता दी गई कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे पर अंडरग्राउंड जाकर क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताओ तो सही, लोग उसको समझ सके ढंग से। तो जो दोनों रिपोर्ट है अगर दोनों को साथ में आप लोग रख देते हैं लेकर, तो ये दोनों बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में,
फार्मर के, तो पर लेकिन फार्मर से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, अपने आप ही कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, फार्मर से पूछो तो थे उनको क्या चाहिए। तो इसके चलते दोनों रिपोर्ट जो है इग्नोर कर रही है फार्मर के प्रोटेस्ट को, उसके बारे में बात ही नहीं करें, इतने लंबे समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तरीके से जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं वही लोग उस चीज से किसी नहीं थे, तो उसके लिए काम क्यों कर रहे, तो वही हो गया। आप लोगों को लेक्चर देखना मेरा पसंद नहीं है, मैं लेक्चर बनाया जा रहा हूं, ठीक है, कोई मतलब थोड़ी ना इस चीज का, तो आप लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो लेक्चर बना रहा हूं, तो इसकी वजह से आप लोगों को इसके बेसिकली एक कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो वो चीजें होनी चाहिए, किसान खुद इतने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्म जो आप लोग लोन्स को लेकर आ रहे हैं, अब तक आप लोगों ने उनके साथ में नेगोशिएशन भी नहीं की, उनसे बात भी नहीं की, तो फोकस फार्मर पे होना चाहिए था। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था ना आप लोगों कि बीजेपी बोलती है कि उन्होंने काफी लार्ज स्केल पर फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट किया और बहुत सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, कांग्रेस बोलती है कि तुमने तो इसको इंप्लीमेंट किया, लेकर तो हम आए थे इसको फूड सिक्योरिटी एक्ट को, तो हम लेकर आए थे इसलिए हमारा नाम होना चाहिए ना कि तुम्हारा। अरे भाई साहब ये तो देख लो, जो फूड आप लोग इसके अंदर बांट रहे हो वो फूड को किसके पास से आ रहे हैं यहाँ पर, वो फूड तो यहाँ पर फार्मर के खेतों से आ रहा है निकलकर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब एक कह रहा है मैंने लो बना दिया, एक कह रहा है मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, किसान कह रहा है भाई साहब जो खाना बांट रहे हो ये आ कहां से रहा है, हमारे ऊपर फोकस करो, हम बना रहे हैं उसको, तो एक्चुअल में तो सारा क्रेडिट हमको जाना चाहिए, पर लेकिन नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो ये वाली चीजें यहां पर राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस फार्मर पे होना चाहिए था। अगर कोई भी इस तरीके का काम आप लोग कर रहे हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोगों को बेसिकली फार्मर को साथ में लेकर चलना था। टेक्नोलॉजी लोग समझ नहीं पा रहे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन पहले उनको कन्विंस तो करो, इंप्रूव तो करो, फार्मर को उस लेवल पर लेकर तो, ताकि उस चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये वाली चीजें, तो काफी ज्यादा आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा कैपेसिटी इंप्रूव करने के फार्मर की, एटलीस्ट कुछ यंग जब तक यहां पर लोग जो है खेती के अंदर नहीं आ जाते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे कुछ आगे आने वाले टाइम में जो पढ़े लिखे कुछ बच्चे अगर खेती के अंदर आते हैं तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तब जाकर चीजें सुधरेंगी, ठीक है। अंडर एजुकेटेड और स्मॉल फार्मर को आप लोग टेक्नोलॉजी कैसे यूज करवा पाओगे, इतनी जल्दी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी आज की डेट में। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर कोई भी किसान नहीं चाहता उसका बेटा जो है या उसका कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है रिलेटिव वो यहाँ पर किसान बने, तो ये दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉलिटिशियन का बेटा चाहता है, पॉलिटिशियन चाहता है मेरा बेटा पॉलिटिशियन बन जाए, एक एक्टर चाहता है मेरा बेटा एक्टर बन जाए, ठीक है, तो इस तरीके देखने को मिलेगा, एक आईएएस चाहता है मेरा बेटा आईएएस बन जाए। इसका मतलब ये कि सारे जो जॉब है ये सारे जो एरिया है सारे अच्छे एरिया है, इसलिए एक बाप जो है वो अपने बेटे को तभी बोलेगा यार ये काम कर लो, पर लेकिन अगर बात करें किसान कभी नहीं बोलेगा अपने बेटे को कि जा बेटा खेती कर ले, तो इस तरीके समझ सकते हैं। तो पहले उसके उस काबिल तो बनाओ ताकि लोग खेती करना पसंद करें, वहां पे उनको प्रॉफिट देखने को मिले। प्रॉफिट है ही नहीं है, जितना वो लागत लगाते हैं उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती है, इवन वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंट्री के अंदर, ठीक है, तो आप लोग अगर इसको देखें इजी टास्क नहीं है, इतने लार्ज स्केल पर जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके चलते आप लोगों को प्रॉपर वे में सही तरीके से प्रोग्राम लेकर आने पड़ेंगे और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ में लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग अलग ही माहौल में चले जा रहे हैं। तो ये बेसिकली राइटर ने यहाँ पर इसके बारे में बातें बताई। तो पूरा ये कंप्लीट आर्टिकल था, यहाँ पर अच्छे काम कर रही है वैसे गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है सही तरीके से, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट जिनके लिए लेकर आ जा रहा है उनके साथ भी बात कर अगर चीजें की जाए तो और ज्यादा बेटर चीजें रहेंगी। तो ये यहाँ पर इसमें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था बेसिक इसका फंडा जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल था यहाँ पर, मैंने आप लोगों से बोला था इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा, ये बेसिकली टेंटेटिव मतलब अनिश्चितता। तो अभी यहाँ पर ये बोला गया कई सारे सेक्टर हमारे ऐसे हैं जो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर निकालते हुए नजर आए, और ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई ये है आईएचएम जो मार्केट है उसके द्वारा एक सर्वे लाया जाता है जिसको बोलते हैं पीएमआई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। PMI बेसिकली 50 न्यूट्रल रखता है, 50 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वो सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि अच्छा खासा वो सेक्टर बढ़ रहा है। 50 के नीचे अगर नंबर चला गया तो वो सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर जब ये इंडेक्स निकल कर आया तो इसके द्वारा जो बातें बताई गई तो 50 से ऊपर यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पर ये बोला गया जो बेसिकली यहाँ पर राइटर इसके अंदर में कि यार देखिए अनिश्चितता वाली कंडीशन है, अभी आप लोग एक एक महीने का चेक कर आप लोग बताओगे कि हाँ ये सही चल रहा है ये सही है, तो वो सही चीजें नहीं है, इसमें आप लोग सही एक्यूरेटली नहीं बता सकते। 8 कोर सेक्टर जो है हमारी कंट्री के अंदर अगर बात करें, ये 8 कोर सेक्टर इनके बारे में याद रखिएगा, कोयला जो है यहां पर देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल है, इसी के साथ में नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, स्टील आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 8 वो सेक्टर हैं जो कि बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएंगे, और यही 8 सेक्टर वो हैं जो कि यहां पर एक तरीके से हर एक जो सेक्टर है उसका कोर सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए इनका नाम भी कोर सेक्टर है। कोई भी काम आप लोग कर लो बिना बिजली के आप लोगों का नहीं होगा, कोई भी काम कर लो मैक्सिमम कोयले की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, गैस की काफी लार्ज स्केल पर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, खेती करनी है तो आप लोगों को फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो स्टील और आप लोगों को सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें इसलिए इनको कोर सेक्टर बोला गया क्योंकि इनके बिना कोई भी चीजें जो हैं वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो इनको साथ में लेकर आप लोगों को चलना ही चलना पड़ेगा। तो ये कोर सेक्टर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे 8 कोर सेक्टर में
अभी अगर बात करें तो 11.6% से बढ़ गए यहाँ पर अगस्त के महीने में, तो कुछ चीजें बढ़ गई, कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं बढ़ रही। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और स्टील के बारे में बात करें तो एक्सपेंड हो गया, तो ऐसा है कि सारी चीजें अगर सही तरीके से कुछ महीनों तक लगातार बढ़ रही है तो ही आप लोग बोलिएगा कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है। कुछ चीजों के बेस पर आप लोग एक एनालिसिस करने लगे नहीं यार हाँ सही चल रहा है, तो यार ये ना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है, तो ऐसे आप लोगों को चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बात बोली गई थी। एक आर्टिकल आप लोगों का कुछ ज्यादा ही पुराना बचा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। आर्टिकल तो मैंने डिस्कस किया था ये, हालांकि पूरा आर्टिकल तो कोई बात नहीं है, पर लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये थी, जब ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, उसके बाद में जब एक और एडिटोरियल निकल आया उसने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया था, तो वो क्रिटिसिज्म क्या था उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले तो आप लोग ये समझिए आर्टिकल क्या था। हमारी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ठीक है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया उसमें कई सारी बातें बोलेगी। पहले तो ये देखिएगा इसके अंदर आता कौन कौन है, तो एक तो ओवरऑल रैंकिंग लाएंगे इंस्टीट्यूशन की, फिर यूनिवर्सिटी के बेस पर, इंजीनियरिंग के बेस पर, मैनेजमेंट के, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली आर्किटेक्चर, डेंटल और यहां पर रिसर्च, तो इनके अलग अलग आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे सिस्टम यहां पर तैयार किए गए रैंकिंग के लिए। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो टोटल मिलाकर 11 सेक्टर यहां पर हो गए। पहले लास्ट टाइम एक सेक्टर ऐड किया गया था 2020 में, ये डेंटल ऐड किया गया था, अभी 11वां सेक्टर इसमें रिसर्च ऐड कर दिया गया है, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जिसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो ध्यान से इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो यहां पर जो रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। ये वही मिनिस्ट्री है जिसको पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग बोला करते थे, फिर इसका नाम चेंज कर दिया, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जो अप्रूव किया गया था वो एमएचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया था अप्रूव 2015 में, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को पता है किस ईयर में इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है, तो ये आप लोग बताइए। और इससे पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बोली जाती थी, इसका पहले नाम चेंज किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, अभी फिलहाल इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो इस तरीके से समझिएगा। तो 11 डिफरेंट कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। 2015 में यहां पर बेसिकली फ्रेमवर्क अप्रूव किया गया और पहली रैंकिंग जो थी 2016 में इसकी अप्रूव की गई, ठीक है। स्टार्टिंग में चार सेक्टर, चार कैटेगरी में इसको लाया गया था, फिर दो कैटेगरी और ऐड कर दी, फिर आगे चलकर डेंटल ऐड कर दिया, और अभी फिलहाल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें रिसर्च ऐड कर दिया, तो 11 कैटेगरी में अब ये रैंकिंग यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है। अगर NIRF रैंकिंग के बारे में बात करें तो पांच मेन पैरामीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला बोलते हैं टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के बारे में, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में, ग्रेजुएशन आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, आउटरीच एंड एक्सक्लूसिविटी कैसे है, यहां पर एक तरीके से बात करें वुमेन भी है क्या इसके अंदर में, ठीक है। परसेप्शन के बारे में बात करें तो कैसा परसेप्शन इंस्टीट्यूशन का लेकर, यह सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन सब के बेस पर अगर आप लोग रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग रैंकिंग यहां पर निकाल कर लाई गई। जैसे ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया गया मद्रास के द्वारा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया गया आईएससी बेंगलोर के द्वारा, रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में टॉप किया गया आईएससी बेंगलोर के द्वारा, कॉलेज में जो कैटेगरी में टॉप किया गया यहां पर मेरिंडा कॉलेज के द्वारा, इंजीनियरिंग में यहां पर टॉप किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, मैनेजमेंट में टॉप किया गया यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा, ये यहां पर मेडिकल में टॉप किया गया यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा, फार्मेसी में यहां पर टॉप किया गया जामिया हमदर्द के द्वारा, ये आर्किटेक्चर में टॉप किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा, लॉ में टॉप किया गया यहां पर बेसिकली नेशनल लॉ स्कूल इंडियन जो यूनिवर्सिटी बेंगलोर के द्वारा, और डेंटल में यहां पर जो मणिपुर है इसके द्वारा यहां पर टॉप किया गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो रिसर्च जो नया अभी ऐड किया गया उसमें आईएससी बेंगलोर ने टॉप किया है, इसको जरूर याद रखेगा। और डेंटल लास्ट ईयर ऐड किया गया था, इसमें यहां पर बेसिकली मणिपाल कॉलेज के द्वारा टॉप किया गया है। अब यहां पर आप लोगों को ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि कई सारे इंस्टीट्यूट में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नजर आता है। जो टॉप के इंस्टीट्यूशन है कंट्री में उनकी तो परफॉर्मेंस अच्छी है, पर लेकिन जैसे जैसे नीचे चले आओगे आप लोग वहां पर तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गड़बड़ाती हुई यहां पर नजर आती है। तो ये बोलने की बात की जा रही है, अगर 1000 यूनिवर्सिटी को आप लोग यहां पर काउंट करते हो तो उस 1000 में से जो टॉप के 10 है उसमें काफी शानदार परफॉर्मेंस है, पर लेकिन अगर बाद में आप लोग थोड़ा सा भी नीचे आओगे ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो जाएगा। जो 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी में अगर 10th पे भी आप लोग नंबर पर देखो तो 62% नहीं है, 92 से सीधा 62 का परफॉर्मेंस हो गया। रिसर्च की परफॉर्मेंस में अगर आप लोग बात करते हैं ओनली टॉप 10 में इतना डिफरेंस हो गया, आप सोचिए टॉप जो 1000 नंबर पर होगी उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत होगी। अगर 20 या फिर 50th पोजीशन पर आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोग सोचिए 50 से घटकर ये 28 पर आ गए स्कोर, अब तक तो 100 पर भी नहीं पहुंचे, 100वीं यूनिवर्सिटी के पास में अगर आप लोग जाओगे तो 4.3 पर पहुंच गए यहां पर ये। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं, हमारे देश के अंदर 935 यूनिवर्सिटी है। अब 935वीं जो यूनिवर्सिटी होगी उसकी हालत कैसी होगी जब 100वीं की 4.35 है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, यानी ये खस्ता हालत देखने को आप लोगों को मिलती है।
एक्सपेंडिचर जो सैलरी के ऊपर किया था, जो ठीक ठीक इंस्टीट्यूशन है वहां पर 391 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च किए जाते हैं सैलरी के ऊपर टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर में। पर लेकिन अगर 41 से लेके 50 के अंदर जाओगे तो ये 300 से लेके सीधे 119 पर आ गए, और इसके नीचे अगर आप लोग सोवी के पास में जाओगे तो लगभग 79 पर आ गए सीधे सीधे घटकर। सोचिए अब जो 935 जो यूनिवर्सिटी होगी वहां पर कैसी लोगों को सैलरी मिल रही होगी, तो वहां पर जैसे तैसे काम चल रहा होगा। तो यहां पर ये बोला गया जो इतना बड़ा डिफरेंस यहां पर ये देखने को मिल रहा है ना, एक तो ये काफी बुरी बात है यहां पर ये। अब बोला यहां पर ये गया कि अगर आप लोग बोले कि यहां पर आप लोगों ने डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर पढ़ने के लिए यहां पर आ रहा है ठीक है, तो यहां पर कई सारी चीजें चेक की जाती है कि एजुकेशन कैसा है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने देखा कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन कहां पर है, वो इंस्टीट्यूशन मान लीजिए आप लोग अहमदाबाद या फिर जैसे अहमदाबाद के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन था यहां पर ये जिसमें अभी यहां पर जो चीजें देखने को मिली, एक सेकेंड, ये मैनेजमेंट वाला आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये फिर मद्रास वाला आप लोग बढ़िया इंजीनियरिंग का देखने को मिला। अब यहां पर मान लीजिए मेडिकल वाला आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिला। अब ये सोचिए मान लीजिए आप लोग मद्रास के अंदर यहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं और सारे जो इसके अंदर जो बच्चे भरे हुए हैं वो मैक्सिमम सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो सारे बच्चे यहां पर मद्रास के अंदर सारे आप लोगों से यहां पर गुजरात के बच्चे आ गए ठीक है। अब ये बोलते हैं यहां पर डाइवर्सिटी हो गई क्या, इसको डाइवर्सिटी बोलेंगे क्या? अब यहां पर उत्तर प्रदेश के कहां है, बिहार के कहां है, छत्तीसगढ़ के कहां है, झारखंड के कहां है, केरला के कहां पे है ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा कहां है, यहां पर ऊपर से पंजाब और हरियाणा के बच्चे कहां है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं होती कि एक जगह से सारे बच्चे आ गए बस उसी के बेस पर आप लोगों ने बोल दिया कि डाइवर्सिटी है। अलग अलग लेवल पर अगर बच्चे आए सारे राज्यों से तो वो आप लोग एक बार को बोल सकते हैं, उसके बारे में आप लोग चीजों को समझिएगा। तो यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि एक राज्य से अगर बच्चे आ गए तो आप लोग उसको डाइवर्सिटी बोलोगे, अलग अलग राज्य से बच्चे होने चाहिए। यानी कि अगर आप लोग बोल रहे ना कि बैलेंस डाइट लेनी है, ये थोड़ी ना आप लोग उसमें पनीर डाल दो बस वो बैलेंस डाइट हो जाएगी यार, उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, न्यूट्रिशन भी उसके अंदर होना चाहिए आप लोगों का ठीक है, उसके अंदर फैट भी होना चाहिए, तो सारी चीजें होंगी तभी तो आप लोग काम चलेगा। तो इस तरीके से यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी नहीं कि वहां पर कोई पर्टिकुलर एक राज्य से लड़की आ गई तो आप लोगों ने बोला कि वुमेन भी काफी सारी आ गई यहां पर ठीक है, कि वुमेन का पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन काफी है, पता चला एक ही राज्य से सारी महिलाएं आ रही हैं तो सारी एक ही राज्य से आ गई तो दूसरे राज्य का कहां पर कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये जो रैंकिंग आप लोग तैयार कर रहे हो ना ये एक सही रैंकिंग नहीं है, इसके अंदर और थोड़ी सी डाइवर्सिटी यहां पर आनी चाहिए और आप लोगों को प्रॉपर रैंकिंग तैयार करनी चाहिए ताकि और इलेबरेटिव डेफिनेशन यहां पर आए कि डाइवर्सिटी अगर आप लोग बोल रहे हो, डाइवर्सिटी जो शब्द आप लोग यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि कम से कम अगर हमारी कंट्री में अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य के तो लोग कम से कम इसके अंदर पढ़ते हो, तो एक बार को बोलो तो यहां पर माना भी जाए, पर लेकिन वो वाली चीजें आप लोग काउंट ही नहीं करते हो, तो इसलिए यहां पर इसको बोला जा रहा है कि एक गलत तरीका है काउंट करने का। ये रैंकिंग जो आप लोग दे रहे हो इसके बेस पर सही चीजें नहीं निकाली जा रही है, और ये जो रैंकिंग ऑलरेडी आ रखी है इसमें भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो ऊपर वाले हैं और जो नीचे वाले हैं उनमें काफी बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पता चला एक कंट्री से कोई आ गए हमारे देश में और सारे बच्चे पढ़ने के लिए नेपाल से आ गए ठीक है, तो आप लोग इसको डाइवर्सिटी बोलोगे कि हाँ फॉरेन के बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सारे नेपाल और भूटान के आ रखे हैं वो, अब इसको डाइवर्सिटी बोल दोगे क्या आप लोग? तो इस तरीके से यहां पर ये गलत तरीका है समझने का, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो रिसर्च के बारे में आप लोगों से बात की, जो डेटा टॉप 10 का अगर आप लोग देखो तो वहां पर कितने सारे पीएचडी स्कॉलर हैं, पर लेकिन नीचे अगर आप लोग जाने लगोगे जैसे जैसे तो आप लोग कहानी खत्म होती हुई नजर आ जाएगी, वहां पर कोई नहीं मिलेगा आप लोगों ठीक है, 10 और एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कितने ज्यादा कम हो गए। तो ओवरऑल कई सारे ऐसे भी होंगे जहां पर कोई रिसर्च करता हुआ पाया नहीं जाएगा, तो इस तरीके से समझिए ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि काफी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम यह है कि अगर बात करें 100 स्टूडेंट इन टोटल अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर बात करें न्यू दिल्ली में, तो यहां पर 99 बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो डाइवर्सिटी बोलोगे कि आप लोग सारे अंडर स्टूडेंट में से 99 उत्तर प्रदेश के आ गए, तो यहां पर डाइवर्सिटी तो वो होती ना कि इसमें से 10 उत्तर प्रदेश के आ गए ठीक है, 10 बिहार के आ गए ठीक है, 10 मध्य प्रदेश के आ गए, 10 महाराष्ट्र से आ गए, 10 गुजरात से आ गए, तो वो वाली डाइवर्सिटी आप लोग बोलो, उसको डाइवर्सिटी बोलोगे, पूरे उसके अंदर एक ही स्टेट भरा पड़ा है तो ये डाइवर्सिटी नहीं है। तो आप लोग की रैंकिंग के अंदर फ्लो है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ऐसी रैंकिंग आप लोगों को तैयार करनी चाहिए जो कि सही तरीके से चीजों को काउंट करके चल सके। तो ये यहां पर ये आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये बातें बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश की गई इस आर्टिकल में। एक और आर्टिकल यहां पर बेसिकली बात कर रहा है ये सिटीज के बारे में बात कर रहा है। आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो सिटी है, केरला के अंदर जाएंगे कई सारी बाढ़ आप लोगों को देखने को मिली, तमिलनाडु के अंदर बाढ़ देखने को मिली, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर बाढ़ देखने को मिली, आसाम के अंदर बाढ़ देखने को मिली, बिहार के अंदर बाढ़ देखने को मिली, कुछ एरिया में आप लोगों को यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आप लोगों को देखने को मिली। तो कंडीशन क्या है आज की डेट में, अगर लोकल एरिया पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि सिटी को इतना पावरफुल बनाओ ना आप लोग की सिटी उसको टैकल कर सके अपने आप, बाहर से सपोर्ट लेने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि एक तरीके से वही बात होगी कि माँ बाप को बच्चों को इतना एक तरीके से अच्छे लेवल पर लेकर चलना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ना कि उनको स्पून फीडिंग कराते रहे, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा, बच्चा हमेशा वरना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इसके चलते यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है ये याद रखेगा, C40 सिटी, ये यहां पर C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है, यहां पर ये कहने के लिए C40 है पर लेकिन इसमें 97 सिटी अभी फिलहाल हो चुकी है ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा ये यहां पर, इसके अंदर अगर आप लोग बात करें तो हमारी कंट्री की कौन कौन सी सिटी है, तो यहां पर इंडिया की आप लोग बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, तो हमारी कंट्री की आप लोगों को 6 सिटी C40 के अंदर देखने को मिलेगी, यानी 91 दूसरी सिटी है और 6 सिटी हमारी कंट्री की है। इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर ये बात करते हैं, और 2005 में इसको बनाया गया था। ये एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चेयरपर्सन कौन है वो आप लोगों को बताना है। इसके जो प्रेसिडेंट थे यहां पर फाउंडिंग जिनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो बिल क्लिंटन, ठीक है, जो कि यहां पर आप लोगों को यूएसए से निकल कर आते हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। बात करें डेनमार्क के अंदर जो कैपिटल है यहां पर, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा C40 जो सिटीज के यहां पर जो इन्वाइट किया गया था कोलकाता की हमारी कंट्री में, ग्रीन मोबिलिटी का अवार्ड मिला था कोलकाता के अंदर में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां पर पूछ लिया जाएगा। तो यहां पर जो सिटीज है आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो सिटीज से मैक्सिमम ग्रोथ निकल कर आता है। किसी कंट्री की जीडीपी के बारे में अगर बात करो तो सिटीज को इंजन ऑफ द ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि वहां पर ही आप लोगों को सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वहां पर आप लोगों को मैक्सिमम सारे जो इंस्टीट्यूशन हो गए, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, या ठीक है ना, कोई एक तरीके से वहां पर आप लोगों को देखने को मिला, कोई टीचर हो गया, सारे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को मैक्सिमम सिटी में देखने को मिलेंगे, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी अच्छी वहां पर देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को वहीं पर ही चीज देखने को मिलेगी। तो ये है कि अगर सिटीज को आप लोग अपने पैरों पर खड़ा कर दो, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को बोला गया था ना, 1992 में आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसका मतलब यह था कि अब सिटीज को आप लोगों को ऑटोमेटिक इस तरीके से बनाना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चीजों को आगे लेकर चल सके। तो वो पैटर्न आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस पैटर्न में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, तब आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ही उनको पकड़कर बैठे रहोगे कि हां ऐसा कर लो और उनको आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ोगे, तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये आप लोग बताइए। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली एक्सप्लेन की गई थी। और C40 सिटी में तो बोला भी जाता है कि सिटी को आप लोग बेसिकली ऐसा बनाओ कि ताकि वहां पर सिटी जो है उसको चीजों को टैकल कर सके, ताकि सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किसी के ऊपर जाकर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो ये C40 सिटीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट बोला गया ऑलरेडी यहां पर, इसीलिए यहां पर अलग अलग एरिया में जाकर उन्होंने सिटीज को कनेक्ट किया, ताकि सिटीज को अगर अपने पैरों पर खड़ा करा दिया जाए तो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। और इससे क्या होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें काफी सारा अचीवमेंट होता हुआ नजर आएगा। सिटीज में आप लोग कोई गरीबी देखने को नहीं मिलेगी, अगर गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी नहीं रहेगी, और भुखमरी नहीं रहेगी तो अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी तो हॉस्पिटल में ज्यादा लोग आप लोगों को भरे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन रहेगी तो लोग समझदार रहेंगे, अपने हक जो उनको राइट दिए जा रहे हैं उनको वो समझेंगे, उसको वो ढंग से यूज करते हुए नजर आएंगे। अगर वो राइट हक ढंग से यूज करेंगे तो जेंडर इनइक्वलिटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, जेंडर में आप लोगों को इक्वलिटी नजर आएगी। इसी के साथ में ये यहां पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे तो स्वच्छता भारत मिशन अभियान आप लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। अगर ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे सारी चीजें होंगी तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, एक समझदारी वाली बात करेंगे, पॉलिथीन यूज नहीं करेंगे, पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, एमिशन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पर, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करें तो ओशन को बेसिकली बर्बाद होने से बचाएंगे, लाइफ ऑन लैंड पर यानी कि पेड़ पौधे कटने से बचाएंगे, पॉलिथीन का यूज काफी कम करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन ये होंगी कब चीजें, जब इंसान पर्टिकुलर अच्छी एजुकेशन लेगा, उसको अच्छी अवेयरनेस रहेगी, और एक जॉब भी कर रहा होगा, वो लोग आप लोगों को यहां पर ज्यादा डेडिकेटेड आप लोगों को इन एरिया के लिए एक तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। वरना किसी को ऐसे ही बोल दिया कि ये काम कर लो तो कोई नहीं करने वाला है, पता चला उसके पास में जॉब ही नहीं है तो सबसे पहले तो वो कहेगा कि भाई साहब भूखे पेट जो है भगवान के भजन नहीं होते हैं, पहले जॉब तो दो मुझे, तभी मैं कुछ बातें बताऊंगा, ज्ञान बांट रहे हो फालतू में। तो पहले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको एक तरीके से ऐसा तो करो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तभी तो चीजें निकल कर आएंगी। आप लोगों को मैंने बताया था यहां पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको IPCC आप लोग बोलते हैं। IPCC की वैसे तो रिपोर्ट आनी थी 2022 में, पर लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को पता है ग्लासगो में होने वाली है यूके के अंदर में, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली ये बोला गया कि ये जो मीटिंग यहां पर होगी इसमें आप लोग क्या लेकर चलोगे, कि टोटल आप लोग यहां पर कुछ बातें इनके सामने रख दो ताकि ये यहां पर चेक कर सके कि हम लोग इसको सुधारेंगे। तो तीन रिपोर्ट आनी है, वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वर्किंग ग्रुप सेकंड, वर्किंग ग्रुप थर्ड। तो यहां पर जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है वो वर्किंग ग्रुप फर्स्ट है, तो ये रिपोर्ट आ चुकी है और दो अभी बची हुई है, तो इस रिपोर्ट को यहां पर यूज किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 होने वाली है, कि किस तरीके से आप लोग यहां पर चीजों को लेकर चल रहे हो। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि सामने रख दिया गया कुछ ढांचा लाकर अभी फिलहाल कि हां इनके ऊपर काम करो आप लोग, फिर बाकी जो रिपोर्ट आएगी उसको बाद में देखेंगे। और टारगेट इनका यही है कि हम लोग को बेसिकली किस तरीके से अचीव करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अभी आप अगर बात करेंगे अगर आर्टिक ओशन में तो वहां पर भी ग्लेशियर पिघल चुके हैं, और आप लोग जाएंगे यहां पर अंटार्कटिका साउथ वाले रीजन में तो वहां पर भी दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिल चुकी हैं। तो इनको टैकल कैसे करना है, तो ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ना, अगर यही बातें समझ में नहीं आ रही तो कैसे काम चलेगा। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट के बारे में अगर बात करूं, 2007 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया यहां पर,
आईपीसीसी को। ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एल गोर, ठीक है, तो इनके साथ मिलकर प्राइस दिया गया यहां पर कॉम्बिनेशन में। तो ये याद रखिएगा टारगेट इनका यही रखा गया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों को करना है, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि जब से इंडस्ट्री बननी स्टार्ट हुई थी ना, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो इंडस्ट्री के थ्रू करना स्टार्ट कर दी थी, तो तब से ये चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है। तो उसके पैटर्न पे आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, बाकी कुछ स्पेशल रिपोर्ट भी इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना, आप लोग कितना इसको बेसिकली सपोर्ट करोगे इसके बारे में जरूर बताना। अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा यहां पर, जोनल काउंसिल के बारे में और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया वो था पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैंने आप लोग क्वेश्चन का भी आंसर यहां पर दिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी को काफी सही तरीके से हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया यहां पर आर्टिकल कि किस तरीके से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की खस्ता हालत हो रखी है और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो सही तरीके से चीजों को लेकर नहीं चल पा रही है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की। तो कुछ लिखने के लिए भी अगर आ जाता है, कल को कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो अब सेंटर थीम बोलेगा कि भाई किसानों को भी साथ में लेके चलो ना, आप लोग तो अपने अपने बारे में बातें कर रहे हो, तो वाली चीज होगी। इसी के साथ में सिटी को कैसे रेजिलिएंट बनाना है, कैसे चीजों को टैकल करना है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कैंपेन पड़ेगा और आईपीसीसी क्या बोलती है, तो ये सारी बातें भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। एक यहां पर हम लोगों ने कोर सेक्टर के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया, इसको लेकर भी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस की, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी आई होगी। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, इसको जाकर डाउनलोड कर लेना। और अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जो भी अगर लगे फीडबैक देने लायक है तो उसको फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी के साथ में जो जो पेपर देकर जब भी आप लोग आएंगे तो टेंशन नहीं लेने का यार, आगे अपनी चीजों को देखो, कभी भी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए, कोई भी अगर मुश्किलें जिंदगी में आती है ना, आप लोगों को हमेशा इंप्रूव करने के लिए आती है, आप लोगों की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आती है, ना कि आप लोगों को बर्बाद करने के लिए आती है। तो अगर मुश्किलें बर्बाद करने के लिए आती है तो सबसे ज्यादा बर्बाद वो लोग होते हैं जो आज के दिन मुश्किलों से लड़कर वो वहां पर टिके हुए हैं। वो हमेशा एक ताकतवर इंसान बनकर सामने आए और उन्होंने हमेशा सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन लेकर चलने की कोशिश की है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, अपने माइंड को इस तरीके सेट करना है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, एग्जाम हमको कुछ बड़ा करना है, तो आप लोगों का माइंड जो है वो अपने आप सेंटर में आप लोगों को आता हुआ नजर आने लगेगा, ठीक है। तो बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर इन सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग मेरे साथ में हैं। तो बाकी यहां पर आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और कोशिश करो कि दूसरों को भी बोलो कि ज्यादा यूज ना करें, अपने आप को ही हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं। और मौज लो, रोज बोलो, नहीं मिले तो खोज लो, यानी कि खुश रहने की कोशिश करो, जितना ज्यादा आप लोग रह सकते हैं आप लोग के आसपास के लोग भी फिर खुश रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।